रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एंटी करप्शन एंटी क्राइम फोरम पाकिस्तान से बोल रही हूँ। आज साढ़े नाल मौजूद ने ईसा मोहम्मद ईसा साहब बागलिया तो हसन साहब और अल्ताफ साहब। इन्हों कुछ दिन पहले इन्हों बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है हम ते बड़ा इन्होंने जुलम होया और साढ़े को तशरीफ आ भी लियाए। इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी। मैं इन्हों को पूछना चाहनी हाँ कि इन्होंने की जुलम होया। चल मेरा थोड़ा जहा कमाल लिया था उन्हें मार के कुत्ते ते मैं भी छावन गया। अगो मेरी दाढ़ी खींच ले बखी पैन लग पे पुलिस वाले। ग्रीन टाउन थाना है बागनिया के हदूद में। मैं कबाल लेकर आ रहा था, रास्ते में नाका लगाया था 7 बजे के करीब, 7:30 बजे करीब। मुझे पुलिस वाले ने रोका था, मैंने रोक लिया। उसने क्या सरिया कबाल किधर से लिया था, मैं क्या मैं आज आपको दिखाता जिसके पास लिया था कबाल वगैरह। आज मेरे सामने नहीं, इधर ही बैठो, आप पैसे मंगाओ, आपको फिर छोड़ूंगा। और हमारे साथ तशद्दुद की, मैंने कहते थे कि आप 60,000 रुपया मंगाओ, मैं क्या जी मैं अभी मेरे साथ आ जाओ, मैं मालिक से मिला देता हूँ। और ये ना कहा नहीं आप 60,000 मुझे दे दो। मैं अपने वालद साहब को बुलाया और आप भाई आदि को बुलाया, उसने किसी को पकड़ पकड़ के मुझे पुलिस वालों को 55,000 रुपया दिया। और हमारा जो कबाड़ थी 150-200 के करीब वो भी थाने ले गए। मुझे तुसी ए दसो कि तानू अदारे दे बारे च किंज पता चलिया, तुसी अदारे च फिर साडे कोल आए ते दरखास्त दित्ती, किन्ने दस्या तानू साडे अदारे दे बारे च? और एक सी दुकान उधर मजैल चौक के करीब सब्जी वाले, उसने बताया मुझे असन चौक के करीब दफ्तर है गुलशन रावी, उधर से दफ्तर है। असि फिर दफ्तर ढूंढते ढूंढते इधर पहुंचे। हसन ईसा साहब दे बेटे ते इन्होंने बहुत ज्यादा मारिया, मारन तो बाद एक तहखाने च बंद कर दिता और उन्होंने कहा कि उस वक्त तक नहीं छोड़ांगे जदों तक तुसी सानू 60,000 रुपया नहीं दोगे। और उन्होंने जिहड़ा स्क्रैप का समान सी वह भी गायब कर लिया। और वालिद साहब नू बहुत बुरी तरह मारिया, उन्हां दी दाढ़ी नू भी खिंचिया, गाली गलोच दिती और बहुत तशद्दुद किया गया। और उन्होंने उहदे बाद साढ़े कोल भी आए, एप्लीकेशन दिती।